हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले HSCL लिमिटेड शेयर के बारे में। मतलब आज हम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर लिमिटेड शेयर के जो है पूरा एनालिसिस करने वाले। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों एनालिसिस आज हम डिटेल में करने वाले। अगर हम बात करें इसके जो है फंडामेंटल्स की, तो इसके फंडामेंटल्स में अगर हम देखें तो 63 की इसकी करंट प्राइस चल रही है, 43 की इसकी बुक वैल्यू चल रही है। तो बुक वैल्यू से थोड़े से ही ज़्यादा प्राइस पे अभी ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि अगर बुक वैल्यू के पास ही शेयर ट्रेड कर रहा है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके जो रिजल्ट्स आने वाले वो भी अच्छे आ सकते हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। मतलब अभी अगर हम देखें इसके रिजल्ट्स को, तो रिजल्ट जो थे दिसंबर में Q3 के रिजल्ट्स जो आ चुके हैं, Q4 के रिजल्ट अभी तक नहीं आए। तो Q3 के जो रिजल्ट्स थे तो वो अच्छे आए थे, 24 करोड़ का जो एक अच्छा खासा रिजल्ट। अगर हम देखें तो पास में इतना 2020 से इतना रिजल्ट नहीं बना था जो इसने दिसंबर में बनाया था, जो कि एक अच्छा 24 का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया था। तो उसकी वजह से जो है इस बार के रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान लोगों का रहेगा, तो इस बार के जो रिजल्ट है वो और भी अच्छे आ सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइड पे ये न्यूज़ जो जा रही है। अगर हम इसके ROCE देखें तो 4.12 का ROCE, ROE 2.69 है। तो ROCE और यहाँ पे एवरेज में ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है। थोड़ा सा कर्जा है कंपनी पे 682 करोड़ का, 0.37 का डेप्ट इक्विटी रेशियो बन रहा है। कंपनी जो है हमारी, हमें डिविडेंड यील्ड रेशियो भी है ये कंपनी का, मतलब कंपनी जो है डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। 0.21 का इनका डिविडेंड यील्ड रेशियो बन रहा है, मतलब अच्छी खासी तरीके से ये जो है हमें डिविडेंड भी दे रही है। ROCE ROE भी पॉजिटिव में, ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, प्राइस भी कम है, बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री स्टॉक पी से 10 नंबर से जो इसका स्टॉक पी जो वो आगे, तो इंडस्ट्री स्टॉक पी और बुक वैल्यू थोड़ी सी हमें बता रही है कि कंपनी थोड़ी सी जो प्राइस जो है वो महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 7.28 की जो है पास्ट 5 ईयर्स में तो पुअर है वो, ऐसा ये हमें बता रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11% ऑफ जो है वो लो चल गई है। अगर हम इस रेशियो को जो है पूरा डिटेल में चेक कर लेते हैं, उससे पहले प्रॉफिट देखे तो सितंबर में उन्होंने 9 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, 15 करोड़, 23, तो अच्छा खासा प्रॉफिट 24 का बनाया था। आज आने वाले रिजल्ट भी जो अच्छे आएंगे तो शेयर के प्राइस पे जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन TTMH का चेक करें तो 71 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने बनाया है, जो कि एक एवरेज प्रॉफिट है। मतलब हम देखें तो 47 से 71 तक आ चुकी है, लेकिन उससे पहले 200 300 का आंकड़ा कंपनी बना रही थी, तो उस कंपैरिजन में ये जो प्रॉफिट है उससे आधे ही बन चुके हैं, जो कि एक बुरी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ चेक करें तो अभी 26 माइनस में, जैसे हमने पिछले रेशियो चेक किए लास्ट 3 ईयर्स में 42% जो है वो माइनस में जा चुका है, इसी के साथ जो है 5 ईयर्स में 34% पॉजिटिव में आ चुका है। तो लास्ट 5 ईयर्स का पॉजिटिव में, बाकी सारे प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में रेशियो दिख रहे। स्टॉक प्राइस CAGR 40% पॉजिटिव में लास्ट ईयर में आ चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3% की है लास्ट ईयर की, लास्ट 3 ईयर्स की 12 और 5 ईयर्स की 13 है, तो अच्छी खासी यहाँ पे जा रही है। सेल्स में ग्रोथ हुई है 71% की। सेल्स कैसे ग्रोथ हुई है, तो सेल्स की उनकी पहली बार 1600 की थी, अभी जो है 2500 की हो चुकी, तो सेल्स में ग्रोथ हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। सेल्स बढ़ेंगे कंपनी के प्रॉफिट आगे चल के बढ़ेंगे, उसकी वजह से अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस बढ़ेगी, मतलब सब जो है वो इंटर रिलेटेड है इच अदर से। अगर प्रॉफिट सेल्स कंपनी अच्छी खासी बना रही है तो आगे चल के कंपनी के प्रॉफिट्स वो बढ़ते ही है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 3000 के इनके एसेट्स है, 11 का पॉजिटिव में कैश फ्लो है। और अगर प्रमोटर्स की बात करें तो 45% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 42% शेयर्स है और FIs के पास 1% शेयर्स है। तो यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पे आ रही है कि प्रमोटर्स अपने होल्डिंग जो है वो कम की है। प्रमोटर्स ने 48.93% थे उनके पास, अभी कितने बचे, अभी बचे 45.43%, तो उन्होंने जो अपनी 3% होल्डिंग यहाँ पे कम की है, जो कि एक बुरी बात है। अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम करते हैं तो उसका जो इसकी प्राइस पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसी के साथ जो FIs के पास 2% थी, उनने अभी 1.66, तो FIs जो है वो वोलेटाइल रहते हैं, वो कम ज़्यादा करते हैं, तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक के पास जो है वो 52, मतलब सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो पब्लिक के पास अवेलेबल है, ये गलत बात यहाँ पे दिख रही है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रमोटर्स के पास होते तो ये बहुत ही पॉजिटिव अट्रैक्टिव हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न लगता, लेकिन फिर भी जो है अच्छे खासे वैल्यू के साथ प्रमोटर्स भी होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक के पास बाकी के शेयर से, तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बस पॉजिटिव पे नहीं जा रहा है। अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट की, टेक्निकल चार्ट पे ये शेयर जो था इसी प्राइस से देखें हम तो अभी जी जो प्राइस चल रहा है तो यहाँ तक ये शेयर जो था अटक अटक के आ रहा था, लेकिन यहाँ से जो इसने पुल अप लिया, मतलब अपसाइड जो मोमेंटम लिया, तो 63 से ये शेयर डायरेक्टली जो था 85 तक पहुँच चुका। अगर एक ही हफ्ते में अगर देखें तो 5-6 दिनों में ये शेयर जो था 85 तक पहुँच चुका था, लेकिन वहाँ से जो इसने जो प्रॉफिट बुकिंग आई और
पैनिक मोमेंटम, और मार्केट भी थोड़ा सा प्रेशर में ही है, तो मार्केट का भी इसे सपोर्ट नहीं मिला, और उस वजह से जो था इसी वैल्यू पे ये फिर से एक बार अटक चुका है। तो इस वैल्यू पे जो वो इम्पोर्टेंट वैल्यू ये हमें आती हुई नजर आएगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे 60 का जो ये शेयर सपोर्ट लेके फिर से एक बार 60 का ये शेयर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर से एक बार जा सकता है, अगर इसे मार्केट का सपोर्ट रहा। मार्केट अगर पॉजिटिव में जाता है तो ये शेयर भी पॉजिटिव में जाने में ज़्यादा देरी नहीं लगने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। पेनी शेयर है, इस वजह से लोग भी इसमें अट्रैक्टेड है। अगर मोमेंटम चेक करें तो मोमेंटम जो है वो भी वेरी बुलिश मोमेंटम है, तो ये एक पॉजिटिव साइड पे जा रहा है कि बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है। पब्लिक वोट भी चेक करेंगे हम, पब्लिक वोट को क्यों छोड़, तो पब्लिक वोट जो है वो 80% लोग बाय की तरफ है, 10% सेल की तरफ है, होल्ड की तरफ 9% है। 1000 पीपल्स ने वोट किया है, उसमें से 80% लोग मतलब 800 पीपल्स जो है वो बाय की तरफ वोट करना पसंद कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि लोगों का मूड जो है सीधे सीधे बाय की तरफ है। फंडामेंटल्स भी कोई बुरे नहीं है, अच्छे खासे फंडामेंटल्स है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कम ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट वॉलेटाइल है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी बरकरार रख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। इसी के साथ बाकी के फंडामेंटल्स भी जो अच्छे आने वाले रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, तो अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं तो इसकी प्राइस पर जो है अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। तो ओवरऑल जो है अच्छा शेयर मुझे ये लग रहा है। टेक्निकल चार्ट भी अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर से एक बार जो 85 का ये प्राइस जो है वो अचीव कर सकता है। अगर यहाँ से 60 से सपोर्ट लेता है, जैसे मैंने बताया 60 से अगर ये सपोर्ट लेता है मार्केट के सपोर्ट के साथ, तो ये फिर से एक बार जो है हमें 35% का प्रॉफिट जो है वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।